नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और आज की शुरुआत करने से पहले आपके लिए कुछ लाइनें हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नॉट एरा ऑफ वॉर, PM tells Putin who says will try to end Ukraine conflict soonest। ये अवेलेबल है पेज नंबर 5 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है आउटकम्स ऑफ रीसेंट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट, एंड वी हैव टू नो अबाउट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेंबर्स, स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो इन सारे पॉइंट्स को तो हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अगर हम आउटकम्स देखें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स to give each other full right to transit. He framed the right to transit in context of connectivity and how it could help establish reliable and resilient supply chains in the region, right? Our next important headline is pandemic effect, chip manufacturers pick phones, laptops over automobile banks. ये अवेलेबल पेज नंबर 5 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, चैलेंजेस, इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया एंड वे फॉरवर्ड। तो इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, राइट? तो आप वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज चीताज अराइव टुडे इन देयर न्यू होम इन कुनो, पीएम टू रिलीज देम। इसी से रिलेटेड एक्सप्लेन सेक्शन में भी आर्टिकल आया है, चीताज आर कमिंग, ये जो कि पेज नंबर 18 पे है और ये अवेलेबल है पेज नंबर 5 पे। ये रिलेटेड पेपर 3 स्पीसीज इन न्यूज सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है चीता के बारे में और कंजर्वेशन एफर्ट्स रिलेटेड टू देम। तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोनों पे कवर किया गया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज टेकिंग अंबेडकर फॉरवर्ड, ये अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे, ये रिलेटेड है पेपर 1 सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज से। इस आर्टिकल में जानना है बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे इनके और रेलेवेंस ऑफ हिज आइडियाज इन प्रेजेंट सीनारियो। तो इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज इन तेलंगाना टुडे सेम इवेंट टू सेलिब्रेशंस, ये अवेलेबल है पेज नंबर 18 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे के बारे में। हैदराबाद टुडे इज सेलिब्रेटिंग द स्टेट्स इंटीग्रेशन टू द इंडियन यूनियन और लिबरेशन फ्रॉम द रूल ऑफ निजाम टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद विद द इंडियन यूनियन। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल होस्ट नेशनल फ्लैग्स एट सेपरेट इवेंट्स इन तेलंगाना, ठीक? Our next and last important headline is paid up capital turnover criteria for small companies eased। ये अवेलेबल पेज नंबर 23 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इस आर्टिकल में जानना है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड गवर्नमेंट्स रीसेंट डिसीजन टू रिवाइज द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल कंपनीज। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रिवाइज द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल कंपनीज दैट विल हेल्प रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन मोर एंटिटीज। Latest decision by the Corporate Affairs Ministry has again revised the definition of small companies and it is aimed at further improving the ease of doing business. ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on social media.